वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। जैसा कि आपको टाइटल से समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो पर्पल नूडल्स के बारे में। पर्पल नूडल्स साउंड्स वेरी डिफरेंट, वेरी वियर्ड एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी सिर्फ एक दो हफ्ते पहले ही पता चला कि पर्पल नूडल्स नाम की कुछ चीज़ होती है। पास के मैं घर के सुपरमार्केट गई थी और वहाँ पर इंस्टेंट नूडल्स वाला सेक्शन चेक कर रही थी, अचानक से मैंने कि पर्पल नूडल्स का पैकेट उठाया और फिर उसके बाद आई गॉट एक्साइटेड एंड देन खरीद के ले आई। तो देन आई गॉट टू नो, ओके समवन स्टेयरिंग एट मी, सॉरी, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेइंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड शूटिंग इन द बैल्कनी, बट ओके। सो जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये पर्पल नूडल्स जो है इसमें दे आर रिच इन एंथोसाइनिन, और साथ ही साथ जो इसे बनाने का प्रोसेस होता है वो काफ़ी फैटी होता है। फैटी कैसे होता है? क्योंकि ये स्टीमिंग और बेकिंग से बनता है। सो कंपेरेटिवली बाकी नूडल्स के बजाय जो अपना पर्पल नूडल्स है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हेल्थियर। बट नूडल्स हम सब कुछ अलग एक्सपेक्टेशन सिखाते हैं, इट शुड बी इंस्टेंट, क्विक, टेस्टी, है ना। सो नाउ आई एम गोना गो एंड शो यू कि पर्पल नूडल्स एक्चुअली टेस्ट कैसा करता है। दिस इज द हेल्थ साइड ऑफ इट, डेफिनेटली वेरी नाइस, बट देन अगेन देयर इज अ टेस्ट साइड ऑफ इट। सो दिस इज हाउ पर्पल नूडल्स लुक। ये कोका ब्रांड के हैं पर्पल बीट नूडल्स, और इसका जो फ्लेवर है वो है सोए एंड विनेगर। इसके और भी फ्लेवर्स आते हैं अच्छे अच्छे, मैंने देखे हैं, मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो में कि कौन कौन से इसके फ्लेवर्स आते हैं। अब बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, क्योंकि पर्पल नूडल्स इसीलिए फेमस हो रहा है, राइट, बिकॉज काफ़ी हेल्दी है। सो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में बता रहा है कि कैलोरीज जो है वो सिर्फ 260 है, और ये 100 ग्राम्स का पैकेट है, राइट। आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी आप इंस्टेंट नूडल्स लेते हो 100 ग्राम्स के जो इतने बड़े पैकेट में आते हैं, उसमें आराम से आपको 450 से 500 कैलोरीज मिलती है, 450 to 500 कैलोरीज। फैट सिर्फ 6 ग्राम्स है, कोलेस्ट्रॉल 0 है, और बाकी सारे वैल्यूज भी थोड़े कम हैं। सो इसका जो कॉस्ट है वो है 75 रुपीज, जो कि ऑफकोर्स बाकी इंस्टेंट नूडल्स से काफ़ी ज़्यादा है। बस तो फिर बना के देखते हैं इसे कैसे लगते हैं, चलो किचन में। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे पानी। भाई ये सच में पर्पल कलर के हैं, दे एक्चुअली लुक पर्पल। नाइस, मजे आएंगे, चलो बनाते हैं। हो रहा है धीरे धीरे। और एक और चीज मैं बता दूं, ये बाकी नूडल्स जैसे इजी ब्रीजी नहीं टूटते हैं, मैं इसको पिछले 10-20 सेकंड से तोड़ रही हूँ और ये टूट नहीं रहे हैं। सो थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, सो लेट मी जोर ऑफ आई। तो जब तक नूडल्स पक रहे हैं तब तक हम करते हैं कुछ बातें। तुम लोग मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं कर दिया? प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसी चीजों पे वीडियोस बनाने के। एंड ना, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो मतलब डेफिनेटली वीडियो पसंद आ रहा है, तभी देख रहे हो, राइट। सो प्लीज गो सब्सक्राइब, और नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, वहाँ पर भी मेरा सेम नाम है वंशिता पटौरिया। वहाँ पर भी मैं अलग अलग टाइप का कॉन्टेंट डालती रहती हूँ, रील्स डालती रहती हूँ। इट्स गोना बी फन, जो भी डे टू डे होता रहता है वो सब मैं स्टोरीज पे डालती रहती हूँ, तो इट्स गोना बी फन फॉर श्योर। सो प्लीज़ डू फॉलो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू एवरीथिंग, प्लीज शेयर, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ कॉमेंट ऑल्सो। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप सच में पर्पल नूडल्स ट्राई कर रहे हो, या फिर और भी कोई आपको हेल्प हुई है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी बोलना हो कि यार इसको रिव्यू करो, उसको रिव्यू करो, सो डेफिनेटली डू ड्रॉप इन और कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे सब कुछ बताओ। ओके, सो इसके साथ ये दो चीज़ें आती है, वन इज़ द सीजनिंग ऑयल, ये वाला, और उसके बाजू में सीजनिंग पाउडर है, डेफिनेटली, मतलब जो हमारे इंस्टेंट नूडल्स का जो मसाला आता है वो ये, और ये अपना ऑयल। जो वाई नूडल्स है ना उसमें एक छोटा सा अनियन ऑयल आता है, सो आई थिंक ये कुछ वैसे ही होना चाहिए। लेट्स सी, अभी नूडल्स थोड़े से नरम हो गए हैं, सो मैं मसाला और ये ऑयल दोनों डाल देती हूँ। नूडल्स बनके तैयार हो चुके हैं, खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है, देखते हैं। सो मैं ना हमेशा जो भी नूडल्स बनाती हूँ तो उसके ऊपर धनिया पत्ती डाल देती हूँ। मेरा इतना मन करा था कि मैं इसमें भी डाल दूँ कोरिएंडर लीव्स, मगर फिर मैंने बोला कि रिव्यू चल रहा है, लेट्स कीप इट मोर ऑन व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो जब ये मुँह के अंदर जा रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मीठा है,
फिर एकदम धीरे से आई टेस्टेड द लिल मोर, तो फिर मुझे हल्का हल्का सोए का टेस्ट आने लगा. इट्स गुड बट डोंट एक्सपेक्ट स्पाइसी फ्लेवर, थोड़ा मसालेदार सा या समथिंग. ये काफ़ी ब्लैंड है, काफ़ी प्लेन है, काफ़ी सीधा सिंपल सादा, बिना मिर्च का मसाला भी ऐसे कुछ मसाले का टेस्ट नहीं है. इसका जो मसाला था वो भी एक्चुअली में मसाला नहीं था, नॉर्मल एक पाउडर ही था. सो वो आपको चटपटा जो फ्लेवर मिलता है बाकी इंस्टेंट नूडल्स से, इससे नहीं मिलेगा. काफ़ी ऑथेंटिक फ्लेवर आ रहा है इसमें सोए का. फिर भी जो नॉर्मल इंस्टेंट नूडल्स का जो टेस्ट होता है, दिस समवेयर आई थिंक डज नॉट बीट दैट. वंस इन अ वाइल कभी कभी अगर आपको थोड़े कम कैलोरीज वाली चीज़ें खानी हैं, थोड़ी हेल्दी चीज़ें खानी हैं, हेल्दी खाना है विदाउट इवन फीलिंग कि यार मैं हेल्दी खा रही हूँ, ओनली सैलड. ऑल्दो मुझे हेल्दी खाना बहुत पसंद है, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हेल्दी फूड इज़ बोरिंग फूड. सो आई थिंक पर्पल नूडल्स इज अ थिंग फॉर यू, इट्स हेल्दी एज वेल एंड कैलोरीज भी ऑलमोस्ट आती है. बताया था ना सिर्फ 260 कैलोरीज हैं, बाकी इंस्टेंट नूडल्स में 450 तो होती ही हैं कैलोरीज. तो उस हिसाब से ये नूडल्स अच्छी चॉइस है, ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट मत करना. बट आई वॉज सो वेरी एक्साइटेड अबाउट ट्राइंग दीज. सो अब मैं जाकर ये पूरा नूडल्स एंजॉय करूँगी. बट आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने और जो फ्रेंड्स जिनको ऐसी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आता है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना. सो यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो, एंड इस वीडियो में लाइक कमेंट कर दो. अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर एक और मैंने फ्लेवर कॉफ़ी का ऑनेस्ट रिव्यू किया है वो जाकर देख सकते हैं. एंड उसमें भी काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स मैंने रिव्यू किए हैं. आई सी यू गाइज अगेन विद अनदर वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.